हेलो बच्चों, मैं शशि प्रकाश सिंह अन अकेडमी ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली से हूँ, यहाँ के अकेडमिक हेड हूँ। और हम डिस्कस करने आ जाए हुए हैं कि नीट का जो टाइम बचा हुआ है, कम टाइम फ्रेम हमारा बचा हुआ है, लगभग में 50 दिन, उन 50 दिनों में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, एक बात तो एकदम कंफर्म है बेटा कि ये कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं कि हाँ ये काम कर दो तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आपको अगर सिलेक्ट होना है तो आपके पास हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये एकदम गांठ बांध करके रखिए कि भैया आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है, क्योंकि पूरा का पूरा ये गेम जो है वो स्पीड एंड एक्यूरेसी का है। पूरा जो गेम है वो स्पीड एंड एक्यूरेसी का है। इसका मतलब ये है कि कितनी अच्छी आपकी स्पीड, कितना एक्यूरेटली सॉल्व करते हो, आप एक भी सिली मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते। अब सिंपल सा कॉमन सेंस है कि अगर हमारे पास चैप्टर बचे हुए हैं 100 टोटल, अगर बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जनरल, और 50 दिन है, इसका मतलब एवरेज में डेली 2-2 चैप्टर खत्म करने हैं, जो कि एक आसान काम तो है नहीं, कंफर्म। अब इसमें आप कहां पर लाई कर रहे हो 720 नंबर में, वो हर पर्सन का इंडिविजुअल हो सकता है। हो सकता है कि किसी बच्चे की सिचुएशन अभी ये वाली हो पहली, जिसमें वो फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 100 एंड बायो में 200, यानी अप्रोक्सीमेटली 350 पे लाई कर रहा है। या कोई दूसरा बच्चा उससे थोड़ी बेटर कंडीशन में हो, फिजिक्स में 80, केमिस्ट्री में 100 और बायो में 250 के आसपास हो, चाहे 350 आ रहा हो या 430 आ रहा हो, भैया आप हो बहुत ही बुरी हालत में, आपको ढेर सारी मेहनत करने की जरूरत है। आपके मार्क्स की कंडीशन अभी रेड जोन में लाई कर रही है, यहाँ पे कुछ भला होने वाला ही नहीं है। कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी होगी कि जिसमें वो लगभग में फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 130 और बायो में 300 के आसपास होंगे, यानी 530। स्पेशल केस में, स्पेशल स्टेट में कुछ लोगों को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, अदरवाइज यहां पर भी कोई भला होने वाला नहीं है। हम ये जनरल पैटर्न फॉलो किए हैं, नॉर्मली बच्चों की ये सिचुएशन होती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स में। इंडिविजुअल बच्चे का कुछ भी हो सकता है, किसी का फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग, केमिस्ट्री वीक हो सकती है, बायो वीक हो सकती है, डिपेंड्स। तो 530 पे भी भला तो होने वाला नहीं है। अब आता है अगला सिचुएशन, जिसमें फिजिक्स में 120, केमिस्ट्री है 150 एंड बायो है 220, जो लगभग में 590 के आसपास गया। यहां से जो कि बहुत अच्छी कंडीशन, यहां से अगर देखा जाए तो अच्छी है, लेकिन यहां दुख, दर्द, पीड़ा की शुरुआत हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि इतना नंबर आने के बावजूद भी बहुत सारे स्टेट के बच्चे कट ऑफ से जस्ट बाहर हो जाएंगे। जो एक ठीक ठाक कॉलेज मिलने वाला तो उसे जस्ट बाहर हो जाएंगे, उनको लगेगा थोड़ी सी और मेहनत की होती तो शायद ये दिन देखने ना पड़ते। यानी कि टूवर्ड्स हम ग्रीन जोन मार्क्स है, बट एग्जैक्टली तो है नहीं। अगली सिचुएशन जिसमें अप्रोक्सीमेटली फिजिक्स में आप 130 ला रहे हो, केमिस्ट्री में 160 ला रहे हो और बायो में 340 ला रहे हो, तब जाके 630 पे पहुंचे, यहां पर एकदम मस्त सेफ जोन में हो, कंफर्म। यहां के बाद जो फाइट है वो क्या है, कॉलेज के रैंकिंग की फाइट है कि हम इस नई स्टेट वाले कॉलेज में गए, अपने स्टेट के टॉपर कॉलेज में गए, उस वाली फाइट की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन पहले हम यहां तक की ही बातें करें भैया कि 630 लाने के लिए क्या क्या करना है, क्या यहां से यहां आना पॉसिबल है। पॉसिबल है अगर आदमी जी तोड़ मेहनत करे। ऐसा कुछ नहीं भैया कि आज का 5 मिनट का वीडियो देख लो, इसे इम्पॉसिबल है। कोई जड़ी बूटी जादू टोना थोड़े हो रहा है कि लो बेटा ये भाई साहब कर लो तो आपके हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको बताया कि हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा डायरेक्शनल करना हो सकता है, थोड़ा फोकस करना हो सकता है, उससे कुछ चीजें इंप्रूव होंगी। कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे सबसे पहली चीज, ट्राई टू राइट द फॉर्मूला। अब स्पेशली फॉर्मूले जो हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री के हों, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फ्लो चार्ट हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे निमोनिक्स पैटर्न ट्रेंड हो, चाहे वो बायोलॉजी में बहुत सारे ट्रेंड हो, बहुत सारे निमोनिक्स हो, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं,
लिखने की कोशिश करिए जहां पॉसिबल हो। आई एम नॉट टेलिंग कि आप पी ब्लॉग पढ़ रहे हो हर चीज को लिखना शुरू कर दिए, लेकिन कुछ बेसिक ट्रेंड पैटर्न तो आप लिख ही सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है। लिखोगे तो फोटो मेमोरी आपकी स्ट्रांग होगी, आपके रिमेन जो मार्क्स जो है उसको रिटेन करने के चांसेस ज्यादा होंगे, मेमोरी रिटेन ज्यादा रहेगी। सॉल्व न्यूमेरिकल, स्पेशली न्यूमेरिकल भाई, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। फॉर्मूला आने से कुछ नहीं होगा जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे। एक सिंपल एग्जांपल, सॉलिड स्टेट में बच्चे पढ़ते हैं डी इक्वल टू जेड बाय क्यू इनटू एन, सबको फॉर्मूला याद होता है और एक क्यूब से निकालना फिर सब गलतियां। रीजन देख, फॉर्मूला तो पता है, यहां पे मैं लगता भी है कि पड़ोस वाले ने सॉल्व कर लिया, कैलकुलेटर निकाल सॉल्व कर भाई, एग्जाम में ना कैलकुलेटर होगा ना पड़ोसी होगा, वहां तो आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है। वो तभी होगा जब आप मेहनत करके मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट क्यूब रूट जब जब जहां जहां जरूरत हो लॉग इंटीग्रल आप खुद करो, ना कि आधे पे आप कॉन्सेप्ट पे लाके छोड़ दिए कि उसके आगे तो हमें आता ही है। एग्जाम में यही पंगा हो जाता है कि बहुत सारी चीज जो हमें लगता है कि आता है उससे भी हम मार्क्स ला नहीं पाते। मोर फोकस ऑन येलो जोन ऑफ सिलेबस, येलो जोन रेड जोन ग्रीन जोन सिलेबस में कौन से पार्ट आप समझ ही गए इन तीनों कलर के नाम से। ग्रीन जोन वो जिसमें आप कॉन्फिडेंट एकदम मस्त रहते हो कॉन्सेप्ट, रेड जोन वो जो आपके भाई साहब एकदम डगमगाया रहता है हिलता नहीं है, और येलो जोन वो होते हैं जो आपको अच्छे से पता होता है कि इसमें थोड़ा फोकस किया जाए, कुछ कुछ कहीं कहीं कंफ्यूजन थोड़ा बहुत मिसकॉन्सेप्शन है एफर्ट किया जाए तो सुधर सकता है। तो ये वाला पार्ट सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो जो चैप्टर टॉपिक आपको लग रहा है कि थोड़े बहुत हिले हुए हैं थोड़ी बहुत चीजें करके हैं तो उस पर कॉन्फिडेंस गेन होगा जिससे आपको आगे पढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो येलो जोन्स को ट्राई टू मेक देम इन ग्रीन जोन, ट्राई टू सॉल्व मोर पीवाईक्यूज। आपको भी सर ये तो सब करते हैं विद एनालिसिस, यही पंगा है सब करते हैं, बच्चों ने इतनी बार पीवाईक्यू देख लिया है कोचिंग के मॉड्यूल में भाई सब, इसके अलावा ऑनलाइन देख लिया, प्रैक्टिस सेट में सब जगह बुक में देख लिया, उनको आंसर रट गया है, क्वेश्चन देखते खटाक से आंसर, ये नहीं पता क्यों कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब यू मस्ट नो कि रिमेनिंग थ्री ऑप्शन क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, यू मस्ट नो कि अगर थोड़ा बहुत 19-20 डेटा हुआ तो क्या पैटर्न होगा, यू मस्ट नो कि अगर पूछा हुआ है विच ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो आपको वीकेस्ट एसिड पूछा हो तो उनमें से क्या आंसर होगा। तो ये मतलब होता है एनालिसिस का। एग्जांपल्स के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिए, उसमें बड़े लिमिटेड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में तो कई बार डिट्टो वहां से रिपीट हो जाता है। जे मेंस के लेटेस्ट क्वेश्चन भी अगर आपको टाइम बचता है तो आप कर सकते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो थोड़ा टफ टाइप के हो जाता है बट केमिस्ट्री में कंफर्म है जेई मेंस के क्वेश्चन भी आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा मॉक की जो स्टार्टिंग आप करें, आप प्लीज ट्राई टू मेक योर टाइमिंग फ्रॉम 2 to 5:20 PM, 3 घंटे 20 मिनट आपको चेयर पर बैठ कर ही सॉल्व करना है। अगर बाई चांस अभी आप मॉक नहीं दे रहे हैं या डेली मॉक नहीं दे रहे हैं तो एक बात एकदम डेली फिक्स रूटीन में रखें कि आने वाले 50 दिन आप इस समय चेयर पर पाए जाएंगे ताकि आपका बॉडी क्लॉक उसके अकॉर्डिंग मेंटेन रहे। आपको लेटना नहीं है, सोना नहीं है, लंच नहीं करना इस मोमेंट पर, सोना तो बिल्कुल भी नहीं है इस मोमेंट पे, एकदम भूल जाओ नहीं तो भैया उस समय बहुत गंदी वाली नींद आएगी। इसके अलावा बेटा स्लीप प्रॉपर लेनी है, प्रॉपर का मतलब 10-12 घंटे सो रहे हो, प्रॉपर का मतलब 6 से 7 घंटे की आप नींद लिया करिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, तबीयत आपकी खराब ना हो। ये 50 दिन बड़ा प्रीशे से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। ऐसे बाहर के रोज गोलगप्पे खा रहे हैं और पेट खराब हो गया भाई साहब, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है 2 दिन के लिए भी तो 2 दिन का आपका लॉस होगा जिसको आप अभी कवर अप नहीं कर पाओगे। लेस स्ट्रेस, दिन आपके दिन भर सोचना नहीं है, वो समझे ना जो मीम्स आते हैं कि दिन भर मैंने कुछ नहीं किया, रात में ये सोचते रह गया कि दिन भर मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई सिंसियर होना है, स्ट्रेस नहीं होना है, डिप्रेशन को इनवाइट नहीं करना है। ट्राई टू बी मोर सिंसियर, फोकस होके पढ़िए, पॉजिटिव थॉट के साथ पढ़िए कि नहीं नहीं मैं पढ़ूंगा तो अच्छा होगा ही होगा। और अभी से रिजल्ट की बातें मत करिए, सोचिए भी मत, भैया पढ़ोगे तो रिजल्ट बदल जाएगा ना, तो आपके हाथ में है, अभी से क्यों सोचना कि रिजल्ट क्या होगा। तो अरे भाई अभी तो हो सकता है कि आप कहां से कहां पहुंच जाओ, 350 हो तब भी 630 पे जा सकते हो और 590 तब भी 630 पे जा सकते हो। तो अभी से क्यों सोचना, अभी तो आप एफर्ट करिए पॉजिटिव थॉट के साथ कि हाँ अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, थैंक यू।